हाजी खान साहब, ये दलील क्या आपको भी वाजिब नजर आती है कि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, तलाक के बाद हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए 3 महीने के बाद, क्योंकि जो लड़की तलाकशुदा है उसके अपने माँ बाप तो है ही हैं, भाई बहन तो है ही, वो संभाल लेंगे। मतलब वो उसकी उम्र कितनी है कोई मायने नहीं रखता, उसके माँ बाप या भाई बहन किस कंडीशन में है कोई मायने नहीं रखता, ये उसकी जिम्मेदारी है कि कहीं भी जाए और किसी के भी दरवाजे पर, अपने किसी भी रिश्तेदार के दरवाजे पर जाकर बैठ जाए, वो उसका भरण पोषण तो कर ही लेगा। ये बात आपको वाजिब नजर आती है आजिक साहब? अमीर जी, बात यह है कि संविधान को भी समझना होगा और शरीयत को भी समझना होगा। संविधान ने जो आर्टिकल 125 के तहत जो हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक, हर मजहब के लोगों को, उन महिलाओं को जिनको तलाक हो गई उसके लिए कहा है। रही इस्लाम ने सबसे ज़्यादा औरतों को सम्मान दिया है, इससे पहले ना किसी और मजहब ने दिया, न दुनिया के किसी हुक्मरान ने दिया, न किसी संविधान ने दिया। दूसरे मजहब पर मत जाइए, आप अपनी बात कीजिए। मेरी बात सुनिए, जब यह सुप्रीम कोर्ट का 10 तारीख को फैसला आया तो पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आया कि जो औरतें कोर्ट जाना चाहती हैं वो कोर्ट जा सकती हैं, और जो औरतें पर्सनल लॉ बोर्ड आना चाहती हैं अपना फैसला कराने, वो पर्सनल लॉ बोर्ड आ जा सकती हैं। औरत ना तो जानती तलाक लेना और ना मर जानता तलाक देना। तलाक देने का प्रोसीजर है, तलाक देने का प्रोसीजर ये है कि पहले 1 दे 2 दे 3 दे और फिर उसके बाद उस 3 देने से पहले उसके घर वालों से कंप्रोमाइज करे, बाद उसकी फैमिली के लोगों को बिठा ले। तलाक का प्रोसीजर ना मर्द जानता ना औरत जानती, और धड़ाधड़ तलाक हो रही है। अब ये आज सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए थी फैसला देने में कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं है, जिन लोगों की पोजीशन नहीं है, जो आदमी अपनी औरत को औरत रखे यानी बीवी रखे उसका परवरिश नहीं कर पाया, और जब वो उसकी तलाक हो गई तो वो भत्ता कहां से देगा? इस मुस्लिम हुक्मरानों को भाई भत्ता कहां से देगा? ये कोर्ट तय करेगा ना, सुन लीजिए, कोर्ट तय करेगा भाई, उसकी माली हालत को देखते हुए कोर्ट तय करेगा। कोर्ट की जिम्मेदारी, हुक्मरान जब मुसलमान थे उस जमाने में सरकार दिया करती थी बेवाओं को, जो बेवा लड़कियां होती थी, बेवा औरतें होती थी, उनको सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। मतलब शौहर की कोई जिम्मेदारी नहीं? शौहर तो तलाक दे दिया, काय की? अच्छा, तलाक दे दिया, जिम्मेदारी खत्म, तलाक दे दिया, जिम्मेदारी खत्म, जिम्मेदारी खत्म हो गई। समीर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऑडियंस में इस वक्त जो महिलाएं हमारे साथ है वो इसको लेकर अपनी राय भी रखना चाहती है। सीधा सवाल, हाँ बताओ बताओ, क्या कहते हैं? छोड़ दो, अरे तो एक एक आदमी बोलो ना, सारी एक साथ बोलोगे तो कैसे पता चलेगा? क्या कहना चाहती हूँ, एक एक करके बोलो। कहना चाह रही कि सरकार की वजह से शादी करके लाते हो आप लोग? नहीं, आप लोग सरकार के कहने पे शादी करके लाते हो, जब आप ये मतलब कह रहे हो कि सरकार भरता देगी। आपको पता है 22 लाख हिंदू महिलाएं अबेंडेड हैं, 22 लाख मैं बताती हूँ, सरकार से शादी नहीं हुई है आप लोगों से। सर मैं दोबारा बता दे, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है सर, ये संविधान देश में संविधान की जो सीमाएं है वो धर्म के आधार पर है। मुद्दे को भटकाए नहीं सर, मुद्दे को सर एक बात मैं बताती हूँ सर, सर बहुत बड़ा आंकड़ा, एक और सबसे पहले बात कह दूं ना सर, सर फैसले में यही सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि संविधान में धर्म की सीमाओं के तहत फैसले नहीं होते सर, और आप इसे प्लीज हिंदू मुस्लिम से ना जोड़े, इसे हिंदू मुस्लिम से ना जोड़े। क्या कहना चाह रही हैं आप बताइए? ये जो भी बोल रहे हैं बहुत गलत बोल रहे हैं, और जो भी मुस्लिम बहन है उसको 3 महीने के लिए धड़ेंगे, क्यों धड़ेंगे 3 महीने में, और कहां जाएगी 3 महीने में? एक बात बताए, 3 महीने के लिए आप जो उसको रखोगे 3 महीने के लिए बोले हम उसका खर्चा देंगे, 3 महीने के बाद जो तलाक होता है उसके बाद खर्चा कौन देगा? उसका जमीन में भी, उसका मकान में भी हिस्से ही, और सरकार और लोगों से हम बात करते हैं। बोलिए मां, मैं कहना चाहूंगी, आपने जब 3 महीने के लिए कहा वो 3 महीने रहेगी, लेकिन उसके बाद वो सरकार देगी, क्यों सरकार देगी भाई, सरकार क्यों देगी? अगर मुस्लिम महिला तलाक है तो तलाक दोगे मुस्लिम महिला को, अगर उनके बच्चे हैं तो उसका पालन पोषण कौन करेगा? आप कुछ कहना चाहेंगे साहब इस पर? हाँ बोलिए। मैं, मेरा कहना ये है कि सिर्फ जो कोर्ट है औरतों की बात करता है, मतलब मुस्लिम जो आदमी है उन पे मॉब लिंचिंग हो रही है, उन पे कोई कानून नहीं है? नहीं, यहाँ फैसला महिलाओं के आगे के जीवन को लेकर भी तो किया जा रहा है कि उनका गुजारा कैसे होगा। बोल, मैं इनसे जरा पूछना चाहता हूँ। हाँ। सर एक मिनट सर, सवाल सर सुन लीजिए, आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप कह रहे हो कि या तो आप संविधान कर लो या शरीयत कर लो। हाँ। तो आपको ऐसे तलाक के समय ही शरीयत क्यों याद आती है? शरीयत तब भूल जाते हो आप जब शरीयत में ये भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट लेना मना है, और आप ये कह रहे हो कि या तो संविधान कर लो या फिर शरीयत कर लो। आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसी सेक्युलर कंट्री का जहाँ पे पर्सनल लॉज भी चलते हैं और संविधान भी चलता हो? आपके हिसाब से दोनों कोएग्जिस्ट करने चाहिए क्या? मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब लेने से पहले कुछ और महिलाओं की बात आपको सुनाना चाहती हूँ। धर्म के लिहाज से मत देखिए, सुनिए उन लोगों को जो सिंगल पेरेंट है, हालात किस तरीके से बिगड़ते हैं। मैम आप एक सिंगल पेरेंट है, आप इसको लेकर क्या राय रखती हैं?
कि हर एक के मोहताजी देखनी पड़ती है, हर एक का मुंह देखना पड़ता है कि कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मेरा अच्छा आईटीआर भरना है, कुछ इनकम नहीं, आईटीआर भरने कहाँ जाएंगे, किसकी मदद लेने जाएंगे? आप कह रहे हो ना माइके पक्ष, माइके पक्ष या लोगों के पास जाए, सिंगल पेरेंट है जिन्होंने भले ही हर हालात में अपनों को खोया है। जी मां, मायके में सब मायके वाले मदद नहीं करते हैं, कुछ मायके वाले तो आपके खबर सुन के ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। 100 में से 10 मायके वाले मदद करेंगे, 90 नहीं करेंगे। मैम, मैं आपकी मुश्किल को नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस पर अपनी राय रखें, क्योंकि आपके तो दो बच्चे भी हैं। मुश्किल होता है अकेले। एक मिनट सुन लीजिए ना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं उनकी मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन उनके दो बच्चे भी हैं और वो अकेली हैं। अकेले बच्चों की परवरिश करना भी बहुत मुश्किल होता है। मायके वालों के दरवाजे आप कब तक जा सकते हो? कहीं भी नहीं जा सकते ना। बोलिए, उन्होंने अभी बोला था कि जो गरीब होगा वो लड़का तलाक दे देगा, तो फिर वो कहाँ से गुजारा भरता देगा? तो फिर वो शादी क्यों किया जब वो गरीबी थी उसको? तो शादी नहीं करना चाहिए उसको। युवा भी सुन रहे हैं, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? यही कि जो मतलब 3 साल थे, ये महर जो आपने बताया था ना कि महर, वो महर तो हमें होती ही है, कम्फर्ट हमारे पास है, उसका मतलब फर्ज है, बट जब बाद में तलाक दे रहे हैं आप उसे छोड़ रहे हैं, तो उसको मिलना चाहिए बस। समीर ठीक है, हाजी खान साहब मुझे लगता है एक एक करके बोलिए ना। अरे भाई हाजी खान साहब, चीज समझ में नहीं आ रही है। क्या नहीं समझ में आ रही है? हाँ, ये मसला है मुस्लिम महिलाओं का। हाँ, फैसला आया मुस्लिम महिलाओं पे, सवाल आप पूछ रहे हैं हिंदू महिलाओं से। अच्छा, मैं बताऊं क्यों? एक मिनट मैं बताऊं क्यों? हिंदू मुस्लिम ले आए सर, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि सीआरपीसी, एक मिनट बैठिए, आप सब लोग बैठिए। मुसलमान महिलाओं को लेकर आते, एक सेकंड, क्योंकि यहाँ बात हिंदू महिलाओं को क्यों लेकर, एक मिनट सर, क्योंकि बात हिंदू महिलाओं को लेकर। जवाब नहीं सुनेंगे, बताइए ना, जवाब नहीं सुनेंगे आप? अरे वही जवाब दे रहा हूँ आपको, जवाब दे रहे हैं सर, सुनिए तो सही। जवाब सुनिए रशीदी साहब, क्योंकि बात यहाँ पर महिलाओं के हक की है, बात यहाँ पर महिलाओं के हक की है रशीदी साहब, बात महिलाओं के हक की हो रही है। बिल्कुल तरीका हुआ, क्योंकि सीआरपीसी की, एक मिनट, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को भी बता दूँ, एक मिनट का मामला है, और रशीदी साहब सारी मुस्लिम महिलाएं होनी चाहिए। रशीदी साहब मतलब महिलाएं अगर कुछ बोल दें, मुसलमान कराना चाहते हो, मतलब सुरभि, ये अपने आप में बड़े ताज्जुब की बात है कि महिलाएं अगर कुछ बोल दें तो आप लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है। और इसीलिए मैंने सबसे पहले सफीना से बात की थी। सफीना मुस्लिम एक्टिविस्ट है जिनके साथ वो लड़कियां हैं। अरे क्यों नहीं करेंगी? क्यों नहीं करेंगी? नहीं नहीं नहीं, ये महिलाओं का मसला है, ये देश की महिलाओं का मसला है। धार्मिक सीमाएं नहीं होती सर, संविधान और संविधान से जुड़े फैसलों को आप क्यों धार्मिक चश्मे से देखते हैं? तो महिलाओं के ऊपर जो बीतती है, आप महिलाओं के ऊपर जो बीतती है उस हकीकत को नकार क्यों रहे हैं? बदनाम करना चाहती है, बदनाम नहीं करना चाहते, उनके हक की बात है। क्यों लाए हिंदू? एक मिनट चलिए, रशीदी साहब आपको जवाब मिल गया है। फैज साहब हो गया, एक मिनट फैज साहब सिखा कर लाए सारी एक साथ बोल रहे। रशीदी साहब एक मिनट बात को डील नहीं, करते हैं, गलत तरीका है, सिंपल सी बात है, महिलाओं से जुड़ा फैसला है, महिलाओं की बात है, क्योंकि बात है महिलाओं की, बात है देश की महिलाओं की, जिसकी वजह से आपको मिर्ची लग रही है सीआरपीसी की। एक मिनट, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, ठीक है, एक मिनट हो गया, आपने बहुत मुसलमान आपने फैसला सुना, आपने बहुत भटका लिया, आप अपने मकसद में कामयाब हुए, आपने भटका लिया, एक मिनट।